आज हम गोभी की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी, वो है गोभी कीमा। गोभी कीमा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर अभी तक आपने इसे नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा गोभी का फूल लेंगे, उसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे और धो लेंगे और पूरी गोभी को ग्रेट कर लेंगे। मैंने अब यहाँ पर कुछ साबुत मसाले लिए हैं। आधा चम्मच जीरा है, एक लाल मिर्च है, दो हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 15 से 20 काली मिर्च। इन सारे मसालों को हम दरदरा पीस लेंगे। गोभी कीमा बनाने के लिए हम एक कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और गैस ऑन कर देंगे। अब इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे, तेल को गर्म हो जाने देंगे। मैंने यहाँ पर 10 से 15 काजू लिए हैं, उन्हें दो टुकड़ों में कर लिया है। अब इन्हें हम इसमें डाल करके फ्राई कर लेंगे। काजू गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए काजू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब उसी कढ़ाई में मैं फिर से एक चम्मच और तेल डालूंगी। तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें जो हमने ग्रेट करके गोभी रखी है उसको इसमें डाल करके हम फ्राई कर लेंगे। गोभी को हम 1 से 2 मिनट तक तेज आंच पर भून लेंगे। हमें इसे गलाना नहीं है, फ्राई करना है। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगी तो इसका मतलब है ये फ्राई हो गई है और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। अब फिर से उसी कढ़ाई को हम ले लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें जो हमने पीस करके दरदरे मसाले रखे हैं वो हम इस तेल में डाल देंगे। मैंने अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया है, अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का गुलाबी हो जाए तब तक ही भूनेंगे। प्याज गुलाबी हो गया है, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालकर अब सारे मसालों को हम भून लेंगे। देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि हमारा मसाला अब भुन गया है।
अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल दूंगी और उनको इसमें मिक्स कर दूंगी। टमाटर गल जाएं तब तक कि हम इसे पकाएंगे, और टमाटर जल्दी गल जाए इसलिए हम इसमें आधा चम्मच नमक मिला देंगे। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। टमाटर भी गल गए हैं, अब इसमें हम मटर मिला देंगे। और आधा मिनट के लिए इसे भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम उस गोभी को मिला देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। सभी चीजों को अब हम मिक्स कर देंगे। अब इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। दो मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारी गोभी पककर तैयार हो गई है, और हम इसे खोल करके 1 मिनट के लिए और ऐसे ही चला करके फ्राई कर लेंगे। इसमें अब आधा चम्मच हम गरम मसाला मिला देंगे, थोड़े से भुने हुए काजू इसमें हम डाल देंगे, कुछ काजू हम ऊपर से गार्निश करने के लिए रख लेंगे। अब इसमें मैं हरी धनिया मिला दूंगी, और यह हमारी गोभी कीमा बन करके तैयार हो गई है। गोभी कीमा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब इसे मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी और सर्व करूंगी। ये गोभी कीमा की रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरी न्यू रेसिपीज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।